दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर इस समय अगर कोई मौसम है तो चुनावी है। भले ही सावन का महीना चल रहा है, रिमझिम फुहारे हैं, मल्हार हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद चुनावी सीजन, चुनावी मौसम के आगे लगता है सब कुछ जैसे गौण है। चारों तरफ चुनावी गर्मी है, जिसको देखें आप आम और खास लोग आपको चुनाव की बात करते दिखाई देंगे। इसी को लेकर हम भी आपसे लगातार चुनावी चर्चाएं में, चुनावी बातचीत में आपसे लगातार संलग्न रहते हैं। आपको बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो सकता है, कौन से विधानसभा में क्या समीकरण है, क्या हालात चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहता है कि आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शख्सियत से आपसे रूबरू कराऊं। और इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरीदाबाद 87, यानी कि इसको बड़खल विधानसभा कहते हैं, बड़खल 87, वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे भारत अरोड़ा। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो फरीदाबाद के लोग हैं, जो यहाँ के मेयर थे, नगर निगम के महापौर अशोक अरोड़ा जी, उनके बेटे हैं। और अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि वो रामलीला के हनुमान का किरदार तो सबको याद होगा ही, वो जरूर याद रहता होगा। और उस परिचय के चलते हुए भारत जी मुझे कल बता रहे थे कि आजकल भी वो आप हनुमान चालीसा का पाठ आपका जो मंगलवार कंटिन्यू जारी है जी, तो कहाँ से मिली वो सीख, प्रेरणा? पिताजी से ही या कुछ और? बिल्कुल, पहले तो मग्गू साहब, आपका, आपके देश रोजाना के चैनल का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल पर आपने मुझे इनवाइट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ की, कहीं ना कहीं मेरे पिता ने इस संसार को छोड़ने से पहले, मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था जी। अगर मैं राजनीति में आता तो मेरे पिता का गोल्डन समय था, जो राजनीति का सबसे बड़ा उनका एक दौर रहा 2010 से लेकर 2015 तक का, मैं उस समय राजनीति में आता। मगर पिता के पास समय का अभाव होने के कारण, कहीं ना कहीं मैं एक बेटा हूं और हम लोग श्री रामचरित्र जी को, मानस जी को मानने वाले लोग हैं, तो मानस जी एक ही बात कहते हैं कि सही बेटा वही है जो पिता के धर्म को पूरा निभाए, पिता के कार्यों में पूरी सहभागिता निभाए। तो कहीं ना कहीं मेरे पिता के पास समय का अभाव रहता था, तो उनके जो नित नियम के कार्यक्रम होते थे, कुछ होते थे, तो मैं रेगुलर अटेंड करता रहता था। बट मैं पिता की हाजिरी लगाने के लिए जाता था, मैं राजनीति के लिए नहीं जाया करता था। समय ने कब करवट ली, मेयर से हम पूर्व मेयर हुए, सब कुछ लाइफ रूटीन में चल रही थी, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। पूर्व मेयर होने के बाद भी जो सामाजिक काम होते थे, जितना होता था उतना करता था। मगर जिंदगी में मग्गू साहब एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे कोई हमारे दरवाजे पर आया और मुझे उसके काम के लिए किसी और के दरवाजे पर जाना पड़ा। और मैं धन्यवाद करता हूं फरीदाबाद की उस सबसे बड़ी शख्सियत का कि उन्होंने बातें तो मुझे बहुत सारी दे दी मगर उस काम को नहीं करा। तब मेरे पिता ने मुझे यह बात समझाई कि बेटा, इसीलिए मैं तेरे को कहता था कि ताकत अपने पास होनी चाहिए अगर तूने समाज का भला करना है। तो वहां से मेरी जिंदगी में चेंज हुआ और मैंने राजनीतिक सफर को शुरू करा। मतलब कुछ करना है तो मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे पिता का धारा में बहना पड़ेगा, मुख्य धारा में बिल्कुल बहना पड़ेगा, मुख्य धारा के साथ भी बहना पड़ेगा और विपरीत भी बहना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैंने आपसे बात शुरू की थी राजनीति की और बीच में आ गया था हनुमान चालीसा। वो इसलिए बताया कि जो स्वर्गीय अशोक अरोड़ा जो मेयर साहब थे, उनका एक जो किरदार था वो फरीदाबाद के व्यक्तित्व पर मुझे लगता आज तक भी कहीं ना कहीं जिंदा होगा, इसलिए ज़रूरी था वहाँ से बात शुरू करें। और जहाँ तक हम सनातन संस्कृति के अंदर हैं तो वहाँ ये बात चलती है कि अगर हम कोई बात शुरू करते हैं तो भारत जी, ये भी अच्छा हुआ कि ईश्वर के नाम से बात शुरू, ईश्वर के नाम से शुरू हुई। अब बात आती है राजनीति की, तो पिताजी कहते थे आपसे कि अगर कुछ करना है तो मुख्य धारा में आना पड़ेगा। कुछ करना नहीं है, सेवा, समाज का अगर भला करना है और अगर आपके पास ताकत है, यदि मैं दान करना चाहता हूं और मेरे जेब में दान करने की क्षमता ही नहीं है, मैं अन्न का दान करूं या मैं धन का दान करूं, क्षमता तो चाहिए। इसी तरह हमारी दहलीज पर, मेरे पिता की दहलीज पर उनके ऑफिस में कोई आता था और अगर हमारे पास क्षमता ही नहीं देने की तो हम कैसे करते। तो वहां से मेरी लाइफ ने चेंज लिया, मैं राजनीतिक सफर को मैंने शुरू करा और श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा रही, मेरे पापा की दिन और रात की मेहनत, लोगों का जुड़ाव रहा, निरंतर कब बढ़ता चला गया, कब कारवां बनता चला गया और कब पार्टी के द्वारा निकाले हुए विधायक पद के आवेदन को मैंने भर डाला, मुझे स्वयं भी नहीं पता चला। यानी कि आपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है? जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर अपने प्रत्याशियों के आवेदन मांगे थे। ये बड़ा गजब का फॉर्मूला है कांग्रेस का।
दो बात हो जाएंगी, एक तो कांग्रेस को फाइनेंस मिल जाएगा और दूसरा कैंडिडेट सामने निकल कर के आ जाएंगे। भारत जी, अभी आपने कहा कि आपने आवेदन किया पार्टी के बतौर प्रत्याशी जी, फरीदाबाद यानी कि बड़खल, फरीदाबाद में इसलिए कहता हूँ कि सारा फरीदाबाद जिला है और फरीदाबाद की बड़खल तहसील है सर, और बड़खल 87 एक विधानसभा है। आपने बड़खल के लिए आवेदन किया जी, दो बातें एक साथ जोड़ूंगा। एक तो नंबर ये हुआ कि बड़खल जो विधानसभा सीट है ये पंजाबी बाहुल्य सीट है जी, ठीक है, लगभग जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग 1.25 लाख के आसपास यहाँ पंजाबी वोटर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, 2012 का एक समय था जब आपके पिताजी ने फरीदाबाद के अंदर, एक दौर था कि पंजाबी समाज के नाम पर अलग सम्मेलन हुआ करते थे, चाहे वो फरीदाबाद की कई हस्तियां थी, चाहे एसी चौधरी साहब थे वो भी किया करते थे, और एक आपके फादर ने फरीदाबाद से एक बड़ा पंजाबी सम्मेलन किया था 2012 में जी। तो मैं क्या जोड़ के चलूं कि भारत का टिकट के लिए आवेदन करना उसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाने के लिए कि भाई हमारा भी राइट बनता है, हमें भी दीजिए। सर बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, जिस विधानसभा में हम और आप बात कर रहे हैं, जहां आपका ऑफिस है, ये बड़खल विधानसभा 87 का ही क्षेत्र लगता है। और रही बात पंजाबी महासम्मेलन की, बिल्कुल 19 अगस्त 2012 को मेरे स्वर्गीय पिता श्री अशोक अरोड़ा जी ने फरीदाबाद की पावन धरा पर एक पंजाबी महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके अंदर तमाम हरियाणा से लगभग 20,000 पंजाबी इकट्ठे हुए थे, और बहुत शानदार सम्मेलन था ये। शहर के रहनुमाओं ने इस पंजाबी सम्मेलन की बहुत तारीफ करी थी, ना सिर्फ 2012 में बल्कि मेरे पिता का जो महापौर का कार्यकाल शुरू हुआ था, 9 जून 2010 को मेरे पिता को महापौर के पद से आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनके आशीर्वाद से मेरे पिता को महापौर के पद से नवाजा गया, और ठीक 1.5 महीने के इंटरवल पे 9 जून के बाद 20 अगस्त 2010 को मेरे पिता ने हुड्डा साहब के रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक बहुत बड़ी रैली करी थी। और 20 अगस्त मेरे पिता का एक बहुत ही जुड़ाव वाला दिन है, क्योंकि मेरे पिता राजीव जी को अपना बड़ा प्रेरणा स्त्रोत मानते थे, और राजीव जी का जो जन्म का दिन है, जन्म की तिथि है, माफी चाहूंगा, 20 अगस्त की है। तो मेरे पिता के जो आदर्श थे, जो मेरे पिता उनको फॉलो करते थे, राजीव जी को फॉलो करते थे, राजीव गांधी जी को। जी 2010 20 अगस्त 2010 को मेरे पिता ने हुड्डा साहब के सम्मान में एक रैली करी, और 20 अगस्त 2010 को ही दशहरा मैदान के ठीक सामने रोज गार्डन है, आप वहां पर जाके देखेंगे श्री राजीव गांधी जी की, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की अष्ट धातु की लगभग 8 फुट बड़ी प्रतिमा लगी मेरे पिता ने स्थापित करवाई थी, जो कि उनके निजी खर्च से थी। ये भी आपकी जानकारी में डाल दूं कि उसमें कहीं भी किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सम्मान सबको देना होता है, और आए हुए अतिथियों को सम्मान सबको दिया भी गया, क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूं, क्योंकि हम एक पंजाबी बहुल्य क्षेत्र में रहते हैं। तो 2010 के अंदर, 2010 में मेरे पिता को महापौर के पद के साथ आदरणीय हुड्डा साहब ने नवाजा। 2009 में विधानसभा का चुनाव था, तो हमारे बड़खल से जो प्रत्याशी के रूप में थे हमारे आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी थे, जो कि गुजर समुदाय से थे। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा आदरणीय बाऊजी ने, और 2019 में मेरे बड़े भाई विजय प्रताप जी ने चुनाव लड़ा। तो मैं सिर्फ एक बात आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमने लगातार आपका साथ दिया, क्योंकि जब आपकी आवाज रही, अरोड़ा परिवार नहीं बल्कि पूरा पंजाबी परिवार, अरोड़ा परिवार नहीं बल्कि पूरा पंजाबी परिवार, पूरा का पूरा पंजाबी समुदाय आपके साथ खड़ा रहा। तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद से लेकर, जब 9 से लेकर 14 तक आदरणीय महेंद्र प्रताप जी ने विधानसभा को संभाला, विधायक रहे, मंत्री रहे हुड्डा साहब की सरकार जी, बिल्कुल, और 15 तक महापौर जी का आखिरी समय था कार्यकाल का। तो 15 से लेकर और 24 तक हमें कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों को अपना पंजाबी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, इसीलिए मेरे मन ने चाहा, और किसी के भी मन के चाहने से तो कभी पूर्ति होती नहीं, मेरे मन ने चाहा कहीं ना कहीं जो पंजाबी लोग कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हैं, जो लोग भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते, उनके विधायकों के साथ नहीं संबंध रखना चाहते, वो कहां जाएंगे। तो इसलिए मेरे मन ने चाहा, और मैंने अपने पिता की उस बात को याद करा, तो इसलिए मैंने विधायक पद के आवेदन को भरना जरूरी समझा। मैं आपको बताता चलूं कि जो बड़खल विधानसभा है,
जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि 2007 में जब हरियाणा का और पूरे देश का परिसीमन हुआ, उससे पहले बड़खल विधानसभा नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। जी बिल्कुल, 2007 के परिसीमन में बड़खल अस्तित्व में आई। फरीदाबाद की जो एक NIT और एक दूसरी मेवला महाराजपुर, ये दो विधानसभा सीटें हुआ करती थी, इनमें से निकल करके गठन हुआ बड़खल विधानसभा का। हालांकि राजनीति के अंदर खासकर जो पंजाबी समुदाय समाज की एक टीस है, एक पीड़ा भी है, वो ये कहते हैं कि उनके मतों को बांट दिया गया दो सीटों में, फरीदाबाद NIT और बड़खल के अंदर। मेरी पिछले दिनों फरीदाबाद के काफ़ी लोगों से बातचीत हो रही थी जो उस दौर के पंजाबी समाज से आए हुए हैं जब विस्थापन का दौर था, जब देश अलग हुआ था। खैर, एक पीड़ा है। अभी भारत कह रहे थे कि 2009, 2014 और 2019 तीन चुनाव चौधरी महेंद्र प्रताप परिवार को समर्थन दिया पूरे पंजाबी समाज ने। बिल्कुल दिया। आपने भारत जी अब आवेदन किया है जी, तो क्या आपने भी उनसे कहा है कि भाई हमने आपको बहुत दिया था तो हमारा भी राइट बनता है, हमारी बात भी आती है, या आप मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात मग्गू जी, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। कारण है उसके पीछे, स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं। देखिए, कहा उसको जाता है जो मन की व्यथा को ना समझे, और चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बारे में जितना मैं जानता हूं वो बड़े ही उदार दिल के हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से अगर पंजाबी समुदाय को यह टिकट मिलती है तो वो अपना आशीर्वाद और प्यार और अपना समर्थन निश्चित रूप से पंजाबी समुदाय के सिर पर रखेंगे। जी, मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके पास संदेश है, अगर बात आएगी, पार्टी आला कमान देखेगा तो वहां से कोई आपको निराशा नहीं मिलेगी। और उनके संदर्भ में इसलिए है, देखो आवेदन हुए हैं, आवेदन होने का मतलब बिल्कुल क्लियर है मग्गू जी कि पंजाबी समुदाय टिकट की डिमांड कर रहा है। तो परिवार के बड़े थे, हैं और रहेंगे, परिवार ने हमेशा साथ दिया, और प्रकृति का एक बिल्कुल नियम है कि नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, बिल्कुल, और स्थाई कुछ नहीं है, स्थाई कुछ भी नहीं, परिवर्तन सृष्टि का नियम राजनीति में तो खासकर है। और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि अब आदरणीय बाऊजी, हम उनसे इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि वो परिवार के बड़े हैं, और निश्चित रूप से वो अपना आशीर्वाद और स्नेह हमारे समाज के ऊपर रखेंगे। जी चलिए, अब भारत जी मैं आपसे पूछूं, अगर तो सीमा त्रिखा यहां से विधायक है आपकी विधानसभा से जी, 2014 में उन्होंने महेंद्र प्रताप जी को हराया, 2019 में उन्होंने विजय प्रताप जी को हराया, लगातार 10 साल से वो विधायक चली आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तीसरी टर्म की तैयारी भी उन्हीं की लगभग बीजेपी से, जहां तक मेरे सोर्स बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सीमा त्रिखा कितनी सक्षम रही बड़खल के लिए, पहला सवाल, और दूसरा क्या पंजाबी समाज को जो उनसे उम्मीदें आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी वो उन पर कहीं खरा उतरी या उसमें कोई कमी रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भूमिका को निभा रहे मौजूदा विधायक के बारे में तो एक ही बात कहूंगा मैं कि उनके किए हुए विकास की गंगा सबने देखी है, चाहे वो स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे वो घरों में चल रही सप्लाई पानी की जो है उसके माध्यम से हो, चाहे हमारे ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे पार्कों के सौंदर्यकरण के माध्यम से हो, चाहे सड़क पे चलते चलते, हम पहले चलते थे सड़क के ऊपर, अब हम चलते हैं गड्ढों में सड़क ढूंढने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धियां हैं। तो ऐसी उपलब्धियों को तो हम दिल से नमन ही कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक की कथनी और करनी के अंतर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आम जनमानस और बड़खल के सभी निवासी उनकी कथनी और करनी को भली भांति जानते हैं। स्मार्ट सिटी की एक रोड है आपके बड़खल विधानसभा में ही आती है जी, वो भी जी। और वो रोड हमारी विधायक साहिब का जो साहिबा जो मंत्री साहिबा है उनके घर के बिल्कुल पास से गुजरती है। वहां पर भाजपा के और भी कई कदावर नेताओं के घर हैं। मतलब क्या एक ही रोड दिखाई दी और वो कितनी स्मार्ट हो गई जी? आप चेक करिएगा मग्गू जी, वो जो फरीदाबाद बड़खल विधानसभा की एक स्मार्ट रोड है, जहां तक मुझे मोटा मोटा याद है, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है, 2020 में ये सड़क बनी थी और कोरोना काल मार्च में हुआ था, पहला दिन जनता कर्फ्यू का, जहां तक है 23 मार्च का जनता कर्फ्यू था, उसके बाद कोरोना काल को आगे बढ़ाया गया था। तो उस कोरोना काल के जनता कर्फ्यू से पहले वो सड़क शुरू हुई थी, और उस ड्यूरेशन में ही, उस टाइम पीरियड में ही, उस नई सड़क के ऊपर जबकि ट्रैफिक भी नहीं चला था, 7 क्रैक्स
उस सड़क के ऊपर आ गए थे। तो इतनी स्मार्ट सड़क है और इसका एक एविडेंस है, एक कोई फ्रेंड है हमारा, उसके पास इसकी फेसबुक की क्लिप है 2012 की, उसके सोशल मीडिया पे डली हुई है। तो उसने विधायक जी के घर से लेकर और जहां तक वो सड़क बनी थी, आई थिंक वो मिडिल पोर्शन था, वहां तक 7 क्रैक्स थे। इतनी स्मार्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी से, इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ उस सड़क को बनाया गया। अच्छे तरीके से आपने खिंचाई की है। मैंने नहीं करी सड़क, स्कूल, शिक्षा, पानी, घर में पानी, ड्रेनेज। चलिए खैर, फरीदाबाद स्मार्ट स्मार्ट सिटी देश का एक सपना है। मोदी पार्ट वन की सरकार के अंदर स्मार्ट सिटीज का एक परियोजना आई थी, जिसको पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, योजना तब भी थी, इसका नाम बदला गया था बस सिर्फ। और उस योजना के तहत आप मान रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर वो स्मार्ट सिटी कीजिए एक रोड, क्योंकि फरीदाबाद के कई बड़े नेता, छोटे बड़े में नाम किसी का लूंगा नहीं, सत्ताधारी पार्टी के जो हैं, वो कह चुके हैं कि स्मार्ट हमने फरीदाबाद नहीं किया था, स्मार्ट कुछ एक एरिया था, कुछ वही रिटेल रोड थी और आपने उसकी स्मार्टनेस सारी उतार दी। खैर, मैं कुछ कहना चाहेंगे, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो सत्ता में बैठे हुए लोग आज फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हैं, उनकी जानकारी को आपके चैनल के माध्यम से दुरुस्त कर देता हूं मैं आज। मग्गू जी, ये स्मार्ट सिटी का अवार्ड कब आया, कैसे आया, ये जरूर फरीदाबाद की आवाम को पता होना चाहिए। इस फरीदाबाद की आवाम को इसलिए पता होना चाहिए, जो झूठी स्मार्ट सिटी का बनाने का दम भरते हैं, वास्तविकता में स्मार्ट सिटी का पहला चरण 2011 में पूर्व मेयर साहब श्री अशोक अरोड़ा जी ने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रतिभा पाटिल जी से फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का अवार्ड लाके दिया था 2011 के अंदर। आप चेक करेंगे, देखिए आज आरटीआई का जमाना है, बिल्कुल राइट टू इंफॉर्मेशन की तहत आप किसी के भी काम के लिए आरटीआई लगाएं, आपको जानकारी मिल जाती है। तो 2011 से और 2014 तक का जो हुड्डा साहब का कार्यकाल था, आप उस समय स्मार्ट सिटी के लिए कितना काम किया कांग्रेस की सरकार ने, आप आरटीआई लगाएं पता करें। 14 में सत्ता परिवर्तन हुआ, पहले देश में हुआ फिर प्रदेश में हुआ, तो 14 से लेकर आज 24 तक आप समझिएगा, 14 से 24 लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं, उस परियोजनाओं में कितने पैसे लगे, वो जो 4 साल का टाइम था मग्गू जी, उसका किया हुआ काम आज भी मुंह से बोलता है, चाहे वो गुणवत्ता की बात हो, चाहे पार्कों के सौंदर्यकरण की बात हो, चाहे नल में स्वच्छ जल की बात हो, चाहे सुपर शॉकर मशीन की ड्रेनेज सिस्टम की सफाइयों की बात हो, आज और बीते कल में एक बड़ा फर्क है। उस समय हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, हमारे पास सुपर शॉकर्स मशीन्स कम थी, बट इतना ओवरफ्लो नहीं था। आज हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है, मगर हर गली के अंदर हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है फेल हो चुका है। कारण कोई क्यों नहीं समझना चाहता, क्योंकि इनकी नीयत में और इनकी काम करने की शैली में बड़ा फर्क है। हम चैनल्स के ऊपर, हम न्यूज़पेपर्स के ऊपर, हम कह देते हैं इस बार की परियोजना के अंदर, पहले हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बात करी 130 करोड़ की, हमारा पास हो गया। विधायक जी की कटिंग है, मेरी नहीं है, मेरे पास तो कटिंग्स पड़ी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूं। फिर 153 करोड़ की बात हुई कि एनआईटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है 153 करोड़ से होगा, फिर अब सुनने में आ रहा है 168 करोड़ की बात हो रही है। सर, 130 करोड़ से 168 करोड़ पे तो हम आ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है, जिसको हम फरीदाबाद के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, क्योंकि निगम इनके पास था, प्रदेश इनके पास था और देश इनके पास था, उसके बाद फरीदाबाद का एक ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक नहीं कर सके। फरीदाबाद को स्मार्ट शब्दों में तो बना दिया, आई लव फरीदाबाद के होर्डिंग बन गए, जगह जगह सेल्फी पॉइंट बन गए। सर, जिंदगी में सेल्फी पॉइंट से गुजारा नहीं है, जिंदगी में आई लव फरीदाबाद कह देने से गुजारा नहीं है, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और जनता देखे हुए को तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इनकी बातों को एक ही बात कहता हूं, ये वही रामचरितमानस का माया मृग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने इस पृथ्वी की रचना करी, उनको पता था
राम जो स्वयं नारायण के अवतार थे, 14 कला संपूर्ण थे, उनको यह पता था मैंने इस धरती के ऊपर कभी माया का सोने का मृग बनाया ही नहीं। और देखिए माया क्या खेलती है, सोने का मृग आ गया, राम पीछे भागे और पीछे सीता हरण हो गया। तो वास्तविकता फरीदाबाद की भी यही है कि सत्ता में बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, ये रोजाना लोगों को सोने का हिरण दिखाते हैं और वो सोने का हिरण देख के लोग उसके पीछे भागते हैं और पीछे से हमारी स्मार्ट सिटी हर गली में बहती नजर आती है। चलिए भारत जी, आखिरी सवाल पे आते हैं आपसे। सत्ताधारी जो भी चुनावी पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, उनके लिए होता है कि जब प्रत्याशी का चयन हो वो कहीं ना कहीं श्योरिटी हो कि वो उनको सत्ता की दहलीज तक ले जाएगा, यानी कि जीत की गारंटी जी। और जनता चाहती है कि जिस नुमाइंदे को, जिस जनप्रतिनिधि को, वो जिस नेता को अपना प्रतिनिधि बनाए वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। भारत अरोड़ा के पास दोनों को लेकर के क्या पॉलिसी है, क्या लगता है आपको? देखिए जी, भारत अरोड़ा एक्स मेयर साहब का बेटा है। मेरी डे वन से मैंने आपको बताया मैं मानस में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और मानस केवल एक ही बात सिखाती है कि पिता के बिताए हुए रास्ते पे जो संतान चलती है उसे कभी भी निराशा नहीं मिलती। और मानस का एक और सबसे बड़ा सुंदर रूप है कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे श्री राम हैं, उन्होंने सबको गले लगाया, चाहे वानर हो, चाहे रीच हो, चाहे वंचर हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारे खेवट हो, कोई भी समुदाय आए, श्री राम ने सबको गले लगाया। तो पंजाबी बिरादरी, पंजाबी समाज भी उसी राम के आदर्शों को मानने वाला समाज है। पंजाबियों की छत सबसे बड़ी छत बताई गई है। इस छत के नीचे सभी 36 बिरादरी, चाहे वो गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे अहीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, हम सबको गले लगाने की क्षमता रखते हैं। हम कभी भी किसी से कोई वैर या हीन भावना नहीं रखते, क्योंकि मानस को पढ़ते नहीं है, मानस को जीते हैं। और रही बात भारत अरोड़ा की, तो मैंने आपको बताया मैं अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं। जिस तरह मेरे पिता ने वास्तविकता में फरीदाबाद की दशा को एक सुधारने के लिए सही दिशा दी, उनके किए हुए काम, उनकी बनाई हुई सड़कें, उनके डेवलप किए हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जब तक मेरे पिता रहे सड़कें आज भी एज इट इज हैं। आपको मैं एड्रेस दे दूंगा, आप जाके सड़कों का रॉ आज भी चेक करवा सकते हैं, लेबोरेटरी हर जगह अवेलेबल है। और ड्रेनेज सिस्टम, जब तक मेरे पिता गद्दी पर थे, वो महापौर की भूमिका में थे, उन्होंने टोटल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बारिशों से पहले दुरुस्त करवाया, खड़े होकर नालों की बड़े बड़े नालों की सफाइयां करवाई ताकि लोग जल भराव की समस्या से परेशान ना हो। आज के विधायक, आज के पार्षद और आज के सांसद क्या कर रहे हैं, फिर वही बात, कैमरे के आगे मीठी बात, माया मृग दिखाया और लोगों को बहता फरीदाबाद नजर आया। मतलब बार बार कहते हैं कि उनके पिता ने करके दिखाया, उसी रास्ते पर चल। मैं अपने पिता की उजली परछाई बन के दिखाऊंगा, जैसा लोग मेरे से उम्मीद करते हैं, जैसा लोग मेरे पिता से उम्मीद करते थे, मेरे पिता ने करके दिखाया। डेफिनेटली अगर आम जनमानस का आशीर्वाद, प्यार मुझे मिला और मैं कभी, देखिए मैंने आवेदन इस बार कराया, कभी मैं उस ताकत तक पहुंच पाया तो निश्चित रूप से जो मेरे पापा के ड्रीम थे फरीदाबाद को लेकर, मैं उनके लिए काम करूंगा और अपनी आवाम, अपनी बिरादरी, अपनी समस्त 36 बिरादरी के लिए निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा। बातों से नहीं, भारत अरोड़ा की कही हुई बात आपको धरातल के ऊपर आज भी नजर आ रही है जब मैं ताकत में नहीं हूं, और आगे भी नजर आएगी अगर आप लोगों के आशीर्वाद से कभी मुझे किसी ताकतवर कुर्सी तक पहुंचने का मौका मिला। चलिए, भारत अरोड़ा आपको बता रहे हैं कि अगर पार्टी ने विश्वास किया तो उनको उम्मीद है कि सभी के सहयोग से वो उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिससे कि कांग्रेस यानी कि उनकी पार्टी सत्ता तक पहुंचे। और कह रहे हैं अगर पार्टी ने भरोसा जताया और लोगों ने विश्वास किया तो फिर उनके पिता ने जो करके दिखाया था उनकी परछाई बनते हुए वे उनके सपनों को और इलाके के सपनों को पूरा करेंगे। चुनावी परिक्रमा में, चुनावी चर्चा में ही हमने आज बात की बड़खल 87 के जो दावेदारी कर रहे हैं भारत अरोड़ा, उनसे। आने वाले दिनों में इसी प्रकार की नई शख्सियत से, नए लोगों से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।